Assalamu alaikum. Today's lab is basically impulse response of a system using MATLAB. So आज के लैब में बेसिकली एक तो हम लोग जो है वो impulse response फाइंड करेंगे सिस्टम का यूजिंग MATLAB, और सेकेंडली जो है वो हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को देखेंगे यूजिंग MATLAB कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को किस तरह प्लॉट करते हैं, ठीक है, किस तरह उसका एंगल फाइंड करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, उसको कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो कोर्स में तो आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हो, तो हम मैटलैब के थ्रू उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बेसिकली हम आज की लैब में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का क्या मतलब है? आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स तो आपने पढ़ा है कि जिसको हम ई की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जैसे e⁻¹t है बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जिसको हम बेसिकली आयोटा की फॉर्म में लिख सकें। अब जैसे e⁻θ की फॉर्म है, इसके आइलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। e⁻θ बेसिकली आइलर फार्मूला होता है, वो आप लोग जो है वो कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर उस फॉर्म में हम लिखें हम उसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपके पास aej × ωt+5, जो ωt+5 बेसिकली ये क्या एंगल है बेसिकली। तो g(t) बेसिकली आपके पास क्या सॉरी एक सिग्नल आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सिंपल आपके पास a बेसिकली का इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और बेसिकली आइलर फार्मूला था r e j θ, तो उसमें r बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ पे r बेसिकली का a है, तो a बेसिकली क्या g(t) की क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस तरह एंगल बेसिकली इसका ये थीटा बेसिकली एंगल होता है। तो आर्गूमेंट ऑफ g(t) बेसिकली का एंगल ऑफ g(t) क्या है, वो बेसिकली क्या है ωt+5, तो ये बेसिकली क्या है इसका एंगल है, ठीक है। तो आपने आइलर फार्मूला पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू आइलर फार्मूला क्या होता है r e j θ, ठीक है। तो अब e⁻j θ का हम लिख सकते हैं a sin θ + j cos θ। तो आप बेसिकली a cos, अब एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या है ωt+5, तो थीटा की जगह आपके पास आ गया ωt+5, सेम साइन ωt+5, ठीक है। तो अगर हमने रेल और मेजनरी पार्ट प्लॉट करना है तो रेल पार्ट आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स का ये रेल पार्ट है जो जे के साथ होता है, वो बेसिकली मेजनरी पार्ट होता है, और रेल प्लस मेजनरी इक्वल टू आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अगर रेल पार्ट प्लॉट करना है तो इसका सिंपल कोसाइन की फॉर्म में जो आपके पास आ रहा है ये रेल पार्ट है, और ये जो मेजनरी पार्ट बेसिकली जो साइन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, अब आपको एक एग्जांपल गिवन, इसमें आपको g(t) गिवन है विच इज़ इक्वल टू 20ej2πt - 0.4π। तो ये बेसिकली आपके पास क्या एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल गिवन है, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका क्या है r है, और ये बेसिकली क्या थीटा है, मतलब r e j θ है, ठीक है। तो आइलर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू आइलर फार्मूला r e j θ = r × cos θ + j × r sin θ। तो यहाँ तो सिंपल आपके पास क्या आ गया 20 cos, अब एंगल आपके पास क्या है थीटा 2πt - 0.4π, तो ये बेसिकली आपके पास एंगल आ गया -j × 20 साइन, और ये सिंपल आपने एंगल कर दिया। तो ये सिंपल आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैटलैब के थ्रू हम किस तरह जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को जो है वो उसका रियल पार्ट या अगर इमेजिनरी पार्ट हमने प्लॉट करना है यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया है कि आपका जो t को पहले डिफाइन किया, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक 0.01 के स्टेप साइज के साथ, मीन्स कि आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मीन के कंटिन्यूस आपके पास प्लॉट आएगा। t एक्सिस पहले डिफाइन कर लिया है, वो आप लोगों को पता है आप, ठीक है। इसी तरह a डिफाइन कर लिया है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है 20 है, ठीक है। और थीटा डिफाइन कर लिया, थीटा क्या है 2πt - 0.4π, तो ये थीटा डिफाइन कर लिया, ठीक है। और सिंपल एक्सपोनेंशियल को z = आपको पता है कि a एक्सपोनेंशियल ऑफ j θ होता है। तो अब कुछ लोग मिस्टेक कर रहे थे प्रीवियस लैब में भी कि एक्सपोनेंशियल को जब आप लिखते हो तो exp के साथ ना यहाँ पे इसका पावर भी ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपल आप ये exp लिखोगे, ये e की पावर लिखोगे, मैटलैब की कमांड है। तो अगर exp लिखा है तो आप सिंपल आप पावर यूज़ नहीं करोगे, जो बेसिकली कैप होता है ना वो आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो exp × j θ ये सिंपल आपके पास क्या आ गया z आ गया। a आपके पास डिफाइन है 20 है, और थीटा भी डिफाइन है, ये आपका थीटा है। तो जस्ट सिंपल आपने क्या किया है ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को क्या कर लिया मैटलैब में पुट कर लिया। अच्छा अब सब प्लॉट यूज़ कर रहा है सिंपल वो, ठीक है कि दो रोज़ हैं कॉलम और उसकी फर्स्ट एंट्री में बेसिकली क्या करना है, प्लॉट करना है रियल पार्ट किसका, जेड का। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, कोसाइन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब रेल की मेड लैम्बे कमांड होती है रेल पार्ट के लिए, तो रेल ऑफ जी को सिंपल क्या करेगा, प्लॉट कर देगा। इस तरह उसका जो सेकेंड इंडेक्स है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। इमेजनरी के लिए IMAG की कमांड यूज़ हो रही होती, IMAG इंटू जी करोगे तो आपको इमेजनरी पार्ट दे देगा। और विद रिस्पेक्ट टू टी हमने उसको क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया, तो उसका जो इमेजनरी पार्ट है वो आ जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट साइनोसाइडल की फॉर्म में आएगा और जो आपका रेल पार्ट है वो बेसिकली कोसाइन की फॉर्म में आएगा। तो अगर हम इसका प्लॉट देखें तो ये बेसिकली आपके पास प्लॉट आ रहा है। तो आप लोग देखो कोसाइन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, ये आपके पास कोसाइन है, ये बेसिकली रियल पार्ट इसका आ गया और ये इमेजनरी पार्ट आ गया। अब ये मेजर आपको पता साइन जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसका बेसिकली कि आपके पास मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड और फेज़ फाइंड करना है, ठीक है, फेज़ और मैग्नीट्यूड का प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब पहले सिंपल टी डिफाइन कर दिए, वो आपके पास वही सेम एक्सपोनेंशियल है, टी डिफाइन कर लिया, ए कर लिया, थीटा कर लिया और जेड को डिफाइन कर दिया जो कि आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो एम ए मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल आपके पास क्या होता है, ABS कमांड होती है, एब्सोल्यूट ऑफ जी, ये कर रही है आपके मैग्नीट्यूड दे देगी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उस मैग्नीट्यूड को हमने विस्पेक्ट टू टी के कर लिया, प्लॉट कर लिया। इसी तरह अगर हमने एंगल का प्लॉट करना है, ठीक है, उसके लिए आप एंगल ऑफ जी बेसिकली कमांड होती है, वो आपको क्या करेगा, एंगल का प्लॉट दे देगा। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या है, 20 है, तो सिंपल आपको 20 का आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड का प्लॉट। इस तरह एंगल आपके पास क्या है, 2πT माइनस 0.4π, तो आपको क्या कर देगा, इसका एंगल दे देगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लॉट हम देख रहे थे कैसा आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड प्लॉट है और ये बेसिकली क्या है, एंगल प्लॉट है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग बैट लैब, वो हम लोग बेसिकली देखेंगे। अब किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स, पहले तो आपको ये पता चलेगा कि रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स का मतलब है कि सिस्टम को हम क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम क्या बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर बेसिकली क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर कोई भी आपका सिस्टम है, ठीक है, उसको अगर आपने बेसिकली इम्पल्स इनपुट अप्लाई की है तो वो सिस्टम जो बेसिकली आपको बिहेव करेगा, जो बेसिकली उसका आउटपुट आ गया वो बेसिकली क्या होगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। इस तरह अगर आपने साइनोसाइडल इनपुट दी है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का वो क्या होगा, साइनोसाइडल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स सिंपल क्या होगा कि अगर आपने इनपुट पे पल्स दी है, मीन्स कि आपके इनपुट जो है वो पल्सिस की फॉर्म में, तो आपके आउटपुट पर जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सो MATLAB में हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा Z ट्रांसफॉर्म का पता होना चाहिए कि Z ट्रांसफॉर्म क्या होती है, पहले उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा अब Z ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होती है कि कोई भी आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है, अगर हमने उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो Z ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। या तो हम Z ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं या हम DTFT यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म। तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी लेकिन आप कोर्स में पढ़ लोगे, लेकिन अभी Z ट्रांसफॉर्म का कुछ पार्ट जो है ना आपका इस लैब में यूज़ हो रहा है, तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं Z ट्रांसफॉर्म होती क्या है, ठीक है, और लेकिन इसकी डिटेल जो है वो आप कोर्स में पढ़ लोगे, ठीक है। तो Z ट्रांसफॉर्म क्योंकि यूज़ हो रही है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब Z ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या है, XON नागा का टाइम डोमेन में एक डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हम इसके Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास क्या X of Z की फॉर्म में बेसिकली आ जाएगा आपके पास X of Z, ठीक है। इस तरह टाइम डोमेन से अगर हमने Z डोमेन में जाना है तो हम X of Z में जाएंगे, ठीक है। Z से अगर हमने टाइम डोमेन में आना है तो Z से आप इसकी इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो आप XON में आ जाओगे, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल की आपके पास अगर हमने जो है वो इनपुट सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है उसके हमने Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, उसका ही आपके पास फार्मूला होता है कि हम क्या करें कि समीशन अप्लाई कर दें -∞ to +∞ और जो भी आपके पास सिग्नल है एक्सोफेन जिसकी आप बेसिकली Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हो वो आपके पास सिग्नल आ जाएगा, साथ में आ जाएगा Z⁻⁹ ठीक है। तो अगर आप इसको समीशन अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि उस एक्सप्रेशन की Z ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जी बेसिकली क्या है कि जी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जो है वो वेरिएबल है जो कि होता है ई की पावर जे ओमेगा, ठीक है, ई की पावर जे ओमेगा कह लो, ई की पावर जे थीटा, ठीक है, वो आपके पास जी होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको अपलोड करोगे ना डिजिट ट्रांसफॉर्म को, आपके पास क्या होता है, एक यूनिट सर्कल बनता है, क्योंकि आप बस एंगल क्या था 0 से 360 तक, तो 0 से 360 तक आप एंगल को चेंज करते जाते हो। तो ई की पावर जे थीटा बेसिकली ऑयलर फार्मूला आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि R E × A G थीटा होता है। अगर हम इसको हम प्लॉट करेंगे बेसिकली एंगल डिफरेंट, अगर हम एंगल करेंगे तो 0 से 360 तक बेसिकली आपका सर्कल में बेसिकली क्या आएगा, आपके पास इसका प्लॉट आएगा। और याद रखें कि अगर आपके पास अब इसमें हम चलो ज़्यादा नहीं देखते, थोड़ा सा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आपके जो सिस्टम आएगा, जैसे आपके पास Z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन आएगा, उसके जो पोल्स अगर आपके पास वो यूनिट सर्कल के अंदर लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका सिस्टम स्टेबल है, और अगर वो यूनिट सर्कल के बाहर लाइक कर रहे हैं तो उसका मतलब आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर वो इस सर्कल के ऊपर लाइक कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो पार्शियली स्टेबल या मार्जिनली स्टेबल होगा। वो हमारा पार्ट नहीं, जस्ट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जब आप Z ट्रांसफॉर्म को पढ़ोगे तो आप उसको डिटेल से देख लोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि हमने कोई भी सिग्नल अगर आप Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डेल्टा ऑफ एन हमारे पास सिग्नल है जो कि आपके पास पल्स है, ठीक है। अब डेल्टा ऑफ एन बेसिकली क्या है कि अब आपको पता है कि यूनिट पल्स है, तो यूनिट पल्स आपके पास क्या होती है कि जीरो पे जस्ट एक वैल्यू 1 दे रही होती है, अदरवाइज आपके पास सिग्नल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अगर डेल्टा ऑफ एन की हमने Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे, तो एक्स ऑफ एन की जगह सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एन आ जाएगा, और सिंपल हम इसको समीशन ले लेंगे -∞ to +∞, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें -∞ to +∞, अब यहाँ पे सिंपल क्या किया हुआ है -1 से 1 तक इसको हमने ओपन किया, तो -1 से करेंगे तो ये डेल्टा -1 × Z⁻⁻ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा -1 × Z +1 प्लस अब जीरो पुट किया है तो जीरो डेल्टा ऑफ ज़ीरो × Z⁻0, ठीक है, प्लस अब फिर डेल्टा 1 × Z⁻-1 एंड प्लस सोन, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह ये पीछे सोन -∞ to +∞ तक क्या ये पूरी समीशन है, ठीक है। लेकिन अब आपका जो डेल्टा सिग्नल है वो क्या होता है, सिर्फ जीरो पे एक वैल्यू दे रहा होता है 1, अदरवाइज पूरा सिग्नल क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा -1 पे भी क्या आपके पास जीरो होगा, ठीक है, +1 पे भी जीरो, मतलब सारा सिग्नल जीरो है, सिर्फ ये क्या डेल्टा ऑफ जीरो पे वैल्यू देगा, क्या देगा, 1 देगा। तो डेल्टा ऑफ जीरो पे बेसिकली आपके पास वैल्यू क्या दे रहा होता है, सिर्फ 1 दे रहा होता है, एक पल्स आ रही होती है 1, और आपको पता है किसी की चीज़ के पास 0 1 होती है, तो इसका क्या मतलब है कि x of Z = क्या आ गया 1, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा ऑफ एन की बेसिकली Z ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेल्टा ऑफ n -1 की हमने फाइंड करनी है, उसमें क्या एक शिफ्ट है, ये क्या है बेसिकली राइट शिफ्ट है, मीन्स कि आपके पास 1 यूनिट राइट शिफ्ट है, मतलब डेल्टा सिग्नल आपका अगर आपका जो है वो 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 1 पे वैल्यू आपको क्या देगा, 1 देगा, अदरवाइज आपका पूरा सिग्नल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है कि ये आपके पास अगर पूरा सिग्नल है, ठीक है, तो पूरा सिग्नल जीरो होगा, सिर्फ डेल्टा क्या 1 पे आपके पास वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो 1 पे सिंपल आपके पास 1 आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा Z⁻⁻1। इसका क्या मतलब है कि डेल्टा ऑफ n -1 की क्या Z ट्रांसफॉर्म होगी, Z of -1, ठीक है, डेल्टा ऑफ n -1 की क्या होगी, Z of -1। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है आपका पल्स का उसका वो सेट कर देते हैं 1/2, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड 1/2 है तो बेसिकली डेल्टा 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2, तो 1/2 × Z -1, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगी, जो भी उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है वो आपके बेसिकली यहाँ पर आ जाएगी। अगर 1/2 है, 0.3 कुछ भी है, मतलब जो भी है पल्स की मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा 1 पे जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली आप पुट करोगे, ठीक है। इस तरह अगर आपने राइट शिफ्ट किया है, ठीक है, सिग्नल को एक यूनिट राइट, तो वो क्या डेल्टा ऑफ n+1 होगा, तो वो सिग्नल आपके पास यहाँ पे कहाँ जाएगा, -1 पे आ जाएगा। अगर सपोज करो कि -1 के आपके पास एक पल्स है जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि डेल्टा ऑफ -1 पे बेसिकली आपके पास पल्स है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 है। तो डेल्टा ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, Z of +1 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के लिए पूरा सिग्नल क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर डेल्टा ऑफ n+1 का क्या आपके पास आ जाएगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1/2 है, 1/2 इंटू Z × +1 आ जाएगा। इस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल -5 पे बेसिकली आपके पास क्या एन ऑफ फॉलोइंग डेल्टा ऑफ एन -5 पे बेसिकली 5 यूनिट आप शिफ्ट करोगे पल्स को, उस पर आपका वैल्यू 1/2 है। तो सिंपल क्या आ जाएगा 1/2 इनटू जी की पावर -5, ठीक है। इस तरह मतलब जितना भी आप इसको शिफ्ट करते जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका जेड में शिफ्ट आता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या दे दिया, अब एक ये एक्सप्रेशन एक्स ऑफ एन दे दिया। अगर हमने क्या करना है कि इसकी जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो आपको पता है डेल्टा ऑफ एन की जी ट्रांसफॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या 1 है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास पल्स है टाइम डोमेन में जो कि आपके पास कहाँ 0 पे, उसका एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है। तो उसका आपको पता जी ट्रांसफॉर्म क्या होती है 1 होती है, सिंपल 1 आ गया। अच्छा, इसका डेल्टा ऑफ एन -1 की आपको पता क्या होती है जी ट्रांसफॉर्म जेड ऑफ -1। लेकिन अब जेड ऑफ -1 पे जो पल्स है उसके उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आपके पास 1/3 है। तो 1/3 इंटू जी -1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगी जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक्स ऑफ एन की, एक्स ऑफ एन से कन्वर्ट हो गया एक्स ऑफ जी में, तो ये इसकी जी ट्रांसफॉर्म आ गई है, ठीक है। इस तरह आपको ये एक सिग्नल दिया हुआ है वाई ऑफ एन, ठीक है। तो वाई ऑफ एन की आपके पास क्या आ जाएगी, अब डेल्टा ऑफ एन की क्या होगी 1 और साथ में उसका एम्पलीट्यूड क्या 2/3, तो ये सिंपल 2/3 आ गया आपके पास। और माइनस आपके पास क्या है कि डेल्टा ऑफ एन -1, एन -1 की क्या हो गया जी -1 और उसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो यहाँ पर सिंपल 2 आ गया। तो ये बेसिकली क्या आ गया वाई ऑफ जी आ गया, ठीक है। तो आपके पास वाई ऑफ जी ओवर एक्स ऑफ जी इक्वल टू क्या आ जाएगा एच ऑफ जी होगा, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो याद रखें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ी होगी, जी ट्रांसफॉर्म पढ़ी होगी। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट ओवर इनपुट आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का, जो भी आपके पास सिस्टम गिवन है। अब ये कोई आपको कोई भी सिस्टम गिवन होगा, ठीक है, कोई भी सिस्टम कह लें, और उसकी एक्स ऑफ एन बेसिकली इनपुट है और वाई ऑफ एन आउटपुट है। और जो बेसिकली उसका जो आप क्या कहते हैं सिस्टम है जो कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो वो एच ऑफ एन होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको इसको ले जाएँ जी डोमेन में, तो एक्स ऑफ एन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ जी में और वाई ऑफ एन हो जाएगा वाई ऑफ जी में। और एच ऑफ जी बेसिकली क्या होगा आउटपुट ओवर इनपुट, वाई ऑफ जी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एच ऑफ जी, ठीक है। अगर हम एच ऑफ जी का इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो आपके पास एच ऑफ एन आ जाएगा, जो कि क्या होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, और वही बेसिकली हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले अब हमने क्या किया कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया जो कि एक्स ऑफ जी है, ठीक है। अब एक्स ऑफ जी आपके पास क्या सॉरी एच ऑफ जी बेसिकली क्या आ गया, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये क्या ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अगर हम इसका इन्वर्स जी फाइंड करेंगे तो एच ऑफ एन आ जाएगा, ये वो तो है थ्योरेटिकली, वो आप कोर्स में देख लोगे, ठीक है। मैटलैब के थ्रू बेसिकली हमारा काम है, मैटलैब के थ्रू करना है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अब मैटलैब में बेसिकली क्या होता है कि हम सिस्टम के न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स की कमांड होती है जो कि आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम की देता है, सिस्टम को सिंपल कन्वर्ट कर देता है, उसका इन्वर्स ले लेती है, इन्वर्स में कन्वर्ट जो है वो कन्वर्ट कर देती है। लेकिन उसमें जो न्यूमरेटर में आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं वो जी की प्लस की फॉर्म में आ रहे होते हैं। पहले जी की पावर 0, फिर जी की पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आपके पास क्या इन्फिनिटी तक आपके पास है सिस्टम के न्यूमरेटर। अब ये क्या है प्लस की फॉर्म में है, माइनस में नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में कह रहा है माइनस में। तो यहाँ पे जी की आपने मैक्सिमम पावर देखनी क्या है, अभी जी की मैक्सिमम पावर 1 है, तो आपने क्या करना है जी से मल्टीप्लाई कर देना, जी से डिवाइड कर देना पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये प्लस में चला जाएगा। तो अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें, जी से डिवाइड कर दें, तो सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा, ठीक है। जस्ट इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए कि बैडलैब क्योंकि पॉजिटिव में लेता है, तो इसको जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2/3 जी माइनस 1 और जी प्लस 1। अगर आपके पास एक जैसे कोफिशिएंट्स होंगे तो पावर जमा हो जाती है, प्लस 1 -1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जी प्लस 1/3 आ जाएगा आपके पास, ये प्लस में आ गया। तो आपने सिंपल मैटलैब में क्या करना है, ये आपको मैटलैब का सिंपल कोड दिया हुआ है जिससे आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। हमें सिस्टम के सिंपल न्यूमरेटर डिफाइन करना है, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है। अब पहले आपका जी की पावर 0 क्या होता है 1, मतलब क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो आपने सिंपल क्या कर दिया -2 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह आपके पास जी की पावर 1 का कोफिशिएंट का 2/3 इस तरह अगर आपके पास जी स्क्वायर होता वो इसके आगे आता, तो ये आपने लिख दिया। इसी तरह अगर आप नीचे देखो कॉन्स्टेंट क्या है 1/3 और उसके बाद जी की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। सिस्टम के आपने नोमिनेटर डिफाइन कर दी और डिनोमिनेटर डिफाइन कर दिया। आगे सिंपल आपने यूज़ करना है इम्पल्स जी की कमांड होती है जो कि करेगी जी ट्रांसफॉर्म में जो सिग्नल है उसका आपको इम्पल्सिव रिस्पॉन्स दे देगी। जी इंटू नोमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर आपने यूज़ करना है तो ये आपको क्या HOF रिटर्न कर देगी। तो आपके पास एक इस सिस्टम का इम्पल्सिव रिस्पॉन्स आ रहा होगा जो कि HOF की फॉर्म में हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो अब ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, X(n) H(y)(n) तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका X(z) फाइंड करना पड़ेगा। X(z) आपने करना है जैसे मैंने आपको बताया। X(z) करने के बाद आपने सिस्टम के नोमिनेटर लिखे डिनोमिनेटर का और इम्पल्स करोगे तो आगे सिस्टम का क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये सिस्टम का क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या HOF आ गया। अब इस ग्राफ से देख के आप जो है सिस्टम की इक्वेशन भी लिख सकते हैं HOF की। तो HOF की क्या इक्वेशन होगी कि अब ये जीरो पे बेसिकली आपके पास ये 0.7 के करीब ये कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो दे रहा है। तो ये क्या ΔF(n) है, तो ΔF(n) और उसका जो क्वेश्चन आ रहा है एम्पलीट्यूड क्या 0.6 है, तो 0.6 इंटू ΔF(n) प्लस अब ये क्या आपके पास -2.22 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा -2.22 इंटू ΔF(n-1) क्योंकि एक शिफ्ट है आपका पल्स में। ठीक है, इस तरह ΔF(n-2) पे है और उसका एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है 0.7 है, तो 0.7 प्लस 0.7 इंटू ΔF(n-2) प्लस -0.24 इंटू ΔF(n-3) इस तरह पूरी आप HOF लिख सकते हो अगर हमें इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो ये सिंपल कि आपके पास सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर सिंपल इम्पल्स ही आपको ऑटोमेटिकली आपका क्या कर देगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स का प्लॉट भी दे देगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो आपने पहले उसका X(z) फाइंड करना है, फिर उसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिफाइन करना है और आप सिंपल इम्पल्स कमांड से उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देख सकते हो यूजिंग मैटलैब। तो ये आप लोगों को टास्क गिवन है। ठीक है, तो टास्क 1 है सिंपल आपको इसका पार्ट 1 में क्या गिवन है 2 पहले आपने करना जनरेट एंड प्लॉट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद वेरियस टाइम। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल गिवन 2e j pi t, तो ऊपर आपको कोड दिया हुआ सिंपल आपने उसी को यूज़ करना है, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने करनी है, आप ना इसका जो है मैग्नीट्यूड और जो एंगल प्लॉट भी आपने करना है। ठीक है, तो 4 प्लॉट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, वो नोट नहीं यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन आपने करना है, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट और मैग्नीट्यूड और एंगल ये 4 चीज़ें आपने करनी है कि प्लॉट करना है। 4 प्लॉट्स आपके पास आएंगे तो सिंपल आप सब प्लॉट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 3 पार्ट है। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, जस्ट चेंज करना है, जस्ट आपके जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल चेंज है, कोड आपका वैसे वही रहेगा, एक बार सिंपल आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट आपको गिवन है, आपने सिंपल इसको जो है वो मैटलैब पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और इसके जो है वो आपने देख लेना है इमेजिनरी रियल और बाकी सारी चीज़। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है टास्क 2 में अरे फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स HOF ऑफ द गिवन सिस्टम यूजिंग मैटलैब। ठीक है, तो आपको X(n) और Y(n) दे दिया, आपने HOF फाइंड करना यूजिंग मैटलैब। ऑल्सो फाइंड HOF ऑफ द गिवन सिस्टम यूजिंग थ्योरेटिकल इक्वेशन। तो पहले आपने सिंपल क्या करना है, आपको X(n) Y(n) दिया है, इससे आपने क्या करना है, पहले X(z) फाइंड करना है और उस H(z) को बेसिकली आपने क्या करना है कि फिर कन्वर्ट करना है किसमें, HOF में, मतलब उसका सिंपल नोमिनेटर लिखोगे, HOF का डिनोमिनेटर लिखोगे जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल गिवन है, और वो आपको रिटर्न कर देगा सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस तरह आपको 3 पार्ट्स गिवन है, आपने तीनों को बेसिकली करना है यूजिंग मैटलैब। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।